हेलो माय टीम तेगवा, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे. और किसी का इंतज़ार कर रहे थे? ओके, तो मैं लेके आई हूँ आप सबके सवालों के जवाब इस वीडियो में. तो बिना पूरा देखे जाना नहीं, पता नहीं मैंने किस किसको आंसर किया है, किसको नहीं, और जिनको किया है उनके लिए अच्छा है, और जिनको नहीं किया उनके लिए आई एम सो सॉरी यार. मेरे लिए बहुत मुश्किल है इतने सारे क्वेश्चन का आंसर करना. आई होप आप सब समझ रहे होंगे मेरा सिचुएशन. समझने के लिए थैंक यू. तो शुरू करते हैं बिना बकवास किए, ऑफ कोर्स पहले क्वेश्चन से. एंड थैंक यू फॉर योर लव, ढेर सारा लव. ओके, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, कहाँ है दी, आप BTS आर्मी कब और कैसे बने, दी फेस रिवील कब होगा. दो दो क्वेश्चन यार, मैंने कहा था ना प्लीज़ एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना, मैं आंसर नहीं कर पाऊँगी. पर कोई नहीं, ट्राई करती हूँ, शायद हो जाए. फेस रिवील कब होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है होगा भी या नहीं, मैं नहीं बता सकती. डू यू हैव एनी क्रश इन स्कूल और कॉलेज? यस आई हैव, आई हैव अ क्रश ऑन माई सेल्फ. ए, हम लोग क्या किसी से कम होते हैं जो दूसरों पे क्रश खाते रहें? और अभी का तो आप लोग को पता है, जैसे BTS आर्मी बनी क्रश आ ही गया. वाई डू यू लाइक BTS? सीरियसली आपको लगता है कि ये सवाल करना सही है कि मुझे BTS क्यों पसंद है? यार मैं अपने हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि मुझे BTS क्यों पसंद है, किस लिए पसंद है, उनके अंदर ऐसा क्या है जो मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ, और लोगों से भी कहती हूँ कि वो सपोर्ट करें उन्हें. दिस इज़ नॉट अ गुड. ओके, व्हाट आई शुड डू व्हेन माय पेरेंट्स डोंट अलाउ वॉच BTS एनी मोर? रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स डिसीजन प्लीज़. और उन्हें ये प्रूव करो कि BTS को देख के तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हो बल्कि मोटिवेट होती हो. तो ये उन्हें प्रूव करो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ. ओके, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? मैंने काउंट नहीं किया है, पर लगभग 19 या 18 लोग हैं मेरी फैमिली में. आई नो बहुत छोटी फैमिली है ना. आई नो दी, आप BTS आर्मी कब बने? आप कॉलेज में पढ़ती हो या स्कूल में? ना ही मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और ना ही स्कूल में पढ़ती हूँ. मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है और अभी मैं घर पे ही पढ़ती हूँ. आप BTS को बहुत समय से सपोर्ट करते आ रहे हो, अगर BTS डिसबैंड हो गए तो आप कैसा फील करोगे? अगर वो डिसबैंड भी हो गए ना, तो तभी भी मैं उनसे प्यार करती रहूँगी अपने मरते दम तक. आई लव यू BTS, एक्चुअली वी लव यू BTS. और अगर BTS डिसबैंड भी होते हैं तो वो एज अ ग्रुप काम करना बंद करेंगे, इसके अलावा वो अपने सोलो पे फोकस करते रहेंगे. BTS जब डिसबैंड होंगे ना, तो वो सिर्फ कंपनी से अलग होंगे, ना कि सोलो छोड़ेंगे. वो तब भी सोलो करते रहेंगे और हमें तब भी BTS को सपोर्ट करना है, नॉट एज अ मेम्बर, एज अ BTS ही हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, यानी सातों को एक बराबर सपोर्ट करेंगे. तो बताओ, करते हो मुझसे प्रॉमिस कि आप सब भी मेरी तरह सातों मेंबर्स को एक साथ सोलो सपोर्ट करोगे? पक्का ना? ओके, माय क्वेश्चन, आपका रिलीजन क्या है? एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये सेम क्वेश्चन अब बहुत आते हैं बहुत, तो इसलिए मैं बता देना चाहती हूँ, हम मुस्लिम BTS आर्मी. थैंक यू. और मेरा बर्थडे है 10 जुलाई को. आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है और आप उससे कब मिले? यार ये मुझे फंसाने वाला काम मत करो, ठीक है? एक्चुअली मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं बता सकती कि मेरा कौन बेस्ट फ्रेंड है. सभी बेस्ट हैं, सब बेस्ट हैं. और उनसे मैं इंस्टा पे मिली थी, इंस्टाग्राम पे. अगर BTS 2016 में इंडिया में कंसर्ट करे तो आप जाएंगी? देखेंगे, अगर मेरी कोई दोस्त अपना किडनी देने के लिए तैयार हो गई तो ज़रूर जाऊंगी मैं भी. आई लव BTS, वी जे के, वी लव.
Which app did you edit your videos? VN app. मैंने हज़ार दफ़ा बताया VN app. आपका रिलीजन कौन सा है? बताया तो अभी. Who is your favorite member in BTS and Blackpink? Actually, BTS में ये बता पाना कि फेवरेट कौन है बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे ना हर दिन किसी ना किसी पे क्रश आ ही जाता है, सिर्फ BTS में, ओनली BTS. हाँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये बताना कि BTS में मुझे सबसे ज़्यादा कौन पसंद है. और रही बात ब्लैकपिंक की, तो मैं उनकी वीडियोस ज़्यादा देखती नहीं हूँ, बट शॉर्ट्स फीड में कभी कभी आ जाते हैं. और मुझे ना ब्लैकपिंक में आई थिंक रोज़ अच्छी लगती है, कितनी मासूम है ना वो, एकदम प्यारी सी डॉल की तरह. आपका BTS में ब्यास कौन है? मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, मुझे रिप्लाई ज़रूर करना. ओके जी, मेरा BTS में ब्यास है ये. वोट फॉर फेस रिवील. और इससे क्या होगा? आप BTS को बहुत पसंद करते हो ना, बहुत ज़्यादा. आप BTS को कितना ज़्यादा प्यार करते हो, और कब से विदेश आनी बने आप. यू मीन BTS आर्मी राइट? एक्चुअली मैं BTS आर्मी कब और कैसे बनी, ये बहुत ज़्यादा आया है क्वेश्चन. मोस्टली यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया कि मैं BTS आर्मी कब और कैसे बनी. तो इसके पीछे एक लंबी स्टोरी, अगर मैं अभी बताऊँ ना तो सच्ची सारा वीडियो ना इसी में ख़त्म हो जाएगा. एटलीस्ट 15 मिनट का वीडियो तो इसी में जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है. तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, और अगले वीडियो में बताऊंगी कि मैं BTS आर्मी कैसे बनी. सीरियसली बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है मेरी कहानी, मेरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. आगे देखते हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा सब्र कर लें आप लोग प्लीज़. आपने कभी सोचा था कि आप इतनी बड़ी यूट्यूबर बन जाएंगी? आप BTS आर्मी कब और कैसे बने? वेल, मैं अभी भी नहीं सोचती कि मैं एक यूट्यूबर हूँ मैं बस वीडियो एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, बात ख़त्म. हाउ मैनी फ्रेंड्स यू हैव इन योर स्कूल? वी आर 9. व्हेन यू बिकम BTS आर्मी? बताऊँगी, थोड़ा सा सब्र कर लो. आप BTS की याद में क्या करते हो? आप BTS की याद में क्या खाते हो? BTS की याद में आपको पता है वीवर्स नाम की एक ऐप है. वीवर्स नाम की एक ऐप है जहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे BTS मेंबर लाइव आया करते थे. आएंगे और आगे भी आएंगे, फिलहाल थोड़ी सी सर्विस पूरा करने गए हैं, उन्हें कर लेने देते हैं, फिर वो वापस आएंगे हमारे ही पास. आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, अपने आर्मी के बिना वो भी नहीं रह पाते ना. मैं वहाँ पर लाइव देखती हूँ उनका पुराने लाइव्स, और खाती तो मैं रोज़ाना वही चीज़ हूँ. वाट इज़ योर ड्रीम? पता नहीं. आपकी एज क्या है? 19 ईयर्स. आपका ड्रीम क्या है? सच्ची बताऊँ, सच्ची मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरा ड्रीम क्या है. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नहीं सोचा है सच्ची में. मैं कुछ नहीं पूछूंगी, बस आप और मैं हमेशा मेरे आइडल्स को सपोर्ट करते रहें और उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, बस ये प्रॉमिस करो. चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आइडल्स के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं यहाँ आपसे वादा करती हूँ. ओह थैंक यू सो मच, और मैं भी ये प्रॉमिस करती हूँ, रियली आई प्रॉमिस यू. लिख के ले लो, गारंटी के साथ ले लो. आई विल नेवर लिव BTS. आप BTS आर्मी कब कैसे बने कैसे बने, और आपको BTS में क्या अच्छा लगा कि आप खुद को? मैं बताऊंगी आगे वीडियो में. माय क्वेश्चन इज, आप BTS आर्मी कब और कैसे बनी? बता दूंगी. हाउ ओल्ड आर यू? व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर एंड फूड? फेवरेट कलर ब्लू एंड ब्लैक, और फूड ऑफ कोर्स बिरयानी. बिरयानी का तो बात ही अलग है. बिरयानी दी, आप आर्यम एंड शुगा पे वीडियो क्यों नहीं बनाती हो? बहुत कम वीडियो बनाती हो, ऐसा क्यों?
एक्चुअली दिस इज़ द पॉइंट, मुझे भी आप सबसे यही सवाल करना था, सेम सेम क्वेश्चन. सच्ची में काफ़ी टाइम से ना मैं करना चाहती थी पर मैं कर नहीं पा रही थी, शायद मैं भूल जा रही थी या फिर समझ नहीं आता था. लेकिन मैं ये सेम क्वेश्चन आप सबसे करना चाहती हूँ. लाइक मैंने रील्स में भी देखे हैं और अपनी वीडियोज़ में भी नोटिस किया है मैंने कि जब भी वीडियो RM, J-Hope, जेन, शुगा का होता है ना, उस पर एक्चुअली कम लाइक्स होते हैं और कम कमेंट्स होते हैं. ऐसा क्यों होता है, मैं खुद समझ नहीं पाती हूँ कि ऐसा होता क्यों है. क्या मतलब उनके अंदर कमी क्या है? हाँ, हमारे लिए तो सब एक बराबर है ना, फिर ऐसा क्यों बताओ मुझे, मुझे भी जानना है क्यों. और रही बात मेरे वीडियोस बनाने की, तो जहाँ तक अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ज़्यादातर वीडियो BTS पे ही बनाती हूँ, सातों मेंबर्स पे एज अ ग्रुप बनाती हूँ, एक एक करके नहीं. और अगर एक एक करके बनाती हूँ ना तो वो रिक्वेस्ट होती है, इसलिए मैं वैसे वीडियोस बनाती हूँ. अदरवाइज़ मैं BTS पे ही ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ. तो मेरा आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़, किम नामजून, किम सकचिन, मिनयोंगी, चोंगहोशोक, पाकजीमिन, किम तेयांग, चोंग चोंगकुक, BTS, ये सातों को मिला के ना BTS बनाए. तो प्लीज़ इन सातों को एक बराबर प्यार दो, एक बराबर सपोर्ट करो, एक को ज़्यादा एक को कम, ऐसे नहीं होता यार, अच्छा थोड़ी लगता है. ये आप कितने ईयर्स के हो, आप कौन साल में BTS आर्मी बने थे? इन 2018. आई एम सॉरी. कि आप BTS आर्मी कब और कैसे बने, बताऊंगी बहुत जल्द. तू अपना वॉल्यूम कम कर थोड़ा, पकड़. दी आप कहाँ रहते हो? मैं अपने घर में रहती हूँ. रिवील योर विलेज. अभी रिवील करूँ? देखते हैं बाद में. फर्स्ट आपका रिलीजन क्या है? आई एम मुस्लिम. सेकेंड, आप BTS आर्मी कैसे बने? प्लीज़ दी आप मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए, प्लीज़. आई एम हर न्यू सब्सक्राइबर दी, प्लीज़. यार आप लोग थकते नहीं हो इतना लंबा लिखने में? वेल, देख के अच्छा लगता है, आपका रिक्वेस्ट नहीं, आपका कमेंट देख के मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सच्ची. BTS आर्मी कैसे बने दी, क्या आप BTS बॉय 7 इनको देखा है? नहीं. क्या ये किसी का यूट्यूब चैनल है या फिर कोई आईडी है? अगर हाँ तो नहीं, मैंने नहीं देखा है. लेकिन अगर आप 7 बॉयज़ की बात कर रहे हो तो हाँ, उन्हें मैंने देखा है सपनों में, फ़ोन में, लैपटॉप में, टीवी में, लेकिन अभी तक रियलिटी में नहीं देखा है मैंने उन्हें. पता नहीं कब देखना नसीब होगा. अरे वॉल्यूम कम करना. आज मेरा बर्थडे है तो क्या आप मुझे, आपसे एक छोटा सा गिफ्ट चाहिए? अच्छा, प्लीज़ डू फेस रिवील. ये छोटा सा गिफ्ट है? तुम्हें होशियार हो हैं, हम लोग तो पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, तुम्हें होशियार हो. ये छोटा सा गिफ्ट है? वेल, कुछ और मांगती मैं दे देती. आप हमसे हमारा क्या था जी, कैसे था वो? आप हमसे हमारी जान मांगते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, लेकिन आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया. ऐसे ही था ना शायद. ओके, आगे देखिए, आप अपने BTS आर्मी की लाइफ अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी बताएंगे दी, क्या आप BTS को बूढ़े होने तक याद रखेंगे? मैं खुद के बूढ़े होने तक उन्हें याद रखूंगी, अपने दिलों में बसा के रखूंगी. क्या बात करते हो यार तुम भी. और रही आने वाली जनरेशन की बात, तो वो तो आने की बात पता चलेगा, लेकिन अभी जो भी मिलता है मुझसे BTS के बारे में जान के ही जाता है. डोंट वरी दी, आपका फेस रिवील कब होगा? आई डोंट नो. वैसे ही लगता है ये सॉन्ग ना मेरे लिए ही बना है, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना. दी आप BTS के लिए क्या कर सकते हो? दी फेस रिवील कब होगा? फिर से, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना.
और BTS के लिए मैं हर वो जायज चीज़ करूँगी जो करना चाहिए. हु इज़ योर क्रश इन BTS? लुक एट माई यूज़र नेम. दी आप वीडियो एडिटिंग कैसे करते हो? आप लोग को ट्यूटोरियल चाहिए कि मैं वीडियो कैसे एडिट करती हूँ? अगर चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसके लिए भी फुल्ली डिटेल वीडियो बना दूँगी. ओके, फ़िलहाल मैं सो के उठी हूँ. मुझे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा, मुझे याद है कि वीडियो बनाना है. बहुत सोती हूँ ना मैं, शायद फिर भी नींद पूरा नहीं होता मेरा. डू यू लाइक BTS? हाय, ये कौन सा क्वेश्चन है? आप कब BTS आर्मी कब बने हो? फेस रिवील कब होगा? व्हाट इज़ योर एज? 19. वी पोज. योर वॉइस इज सो मच क्यूट. ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू. दी आप BTS आर्मी कब बनी? फेस रिवील कब होगा? दी आप BTS आर्मी कब बने? BTS 2027 में डिस्पेंड हो जाएंगे क्या? कोई क्या नहीं, BTS 2027 में बैंड हो जाएंगे क्या? क्योंकि बहुत वीडियोस BTS के डिसबैंडिंग पर बनाए जा रहे हैं. प्लीज़ आंसर दीजिए, BTS डिसबैंड हो जाएंगे? वेल, आखिर कब तक वो काम कंपनी के थ्रू काम करते रहेंगे? कभी ना कभी तो वो अपने लाइफ में अपने चुप हो जाए यार, हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? हाँ तो मैं कहाँ थी? कभी ना कभी तो वो अपने फ्यूचर पे फोकस करेंगे ना, और हम लोग भी चाहते हैं कि वो अपने फ्यूचर अपने करियर पे फोकस करें, अपने फ्यूचर को और भी ज़्यादा बेस्ट बनाए. तो मैं तो ये कहूँगी कि हमें ना उनकी लाइफ उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो कैसे जीना चाहते हैं. मेरी ये राय है कि हमें उनकी लाइफ उन्हीं के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए. उनके क्या डिसीज़न है इसके ऊपर, ये वही तय करेंगे. फ़िलहाल रही बात डिसबैंड की, तो कोई ना हो भी जाए तो क्या हो जाएगा, वो एज अ ग्रुप काम करना बंद करेंगे, अपने सोलो पे फोकस करते रहेंगे वो. डोंट वरी, जिन कब आएगा? जिन कल हमारे जिन पप्पा पधारेंगे. नहीं कल नहीं, परसों हमारे जीनू अप्पा पधारेंगे. बस अफसोस इस बात का है कि हम उनके स्वागत में वहाँ जा नहीं पाएंगे, लेकिन हम यहाँ से ही उनका वेलकम करेंगे. मैं बताऊँ कैसे? ओके, मैं आज डबल वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है? मैं बता रही हूँ, लेकिन तब तक तो लेट हो जाएगा ना. वॉल्यूम कम कर लो यार, प्लीज़ रहम कर लो, वॉल्यूम कम करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. दूसरे रूम में चली जाओ. हाँ थोड़ा जोर से बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी. दूसरे रूम में चली जाओ प्लीज़. हाँ तो फिर वॉल्यूम मेरा कम रख, वरना फ़ोन फेंक दूँगी. सच्ची बता रही हूँ दी, आप जे होप का वीडियो क्यों नहीं डालती? एंड माई सेकेंड क्वेश्चन इज़, आप जे होप का वीडियो प्लीज़ डालिए. यार आप लोग ऐसे बात करोगे ना फिर मुझे बुरा लगेगा, सच्ची बता रही हूँ. मैंने पहले भी बताया कि मैं BTS पे ही ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ एज अ ग्रुप, और जो मैं मेंबर्स पे बनाती हूँ ना वो वीडियो रिक्वेस्ट पे होती है यार, इसलिए मैं बनाती हूँ अलग अलग करके. हाँ जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे हमारे टाटाई का आता है, थेथाई का आता है, तो इसलिए ज़्यादातर वीडियो मेरी उस पर ही होती हैं. अकेले में अगर करूँ तो ज़्यादातर उसी पे होती है, लेकिन ऐसे अगर करूँ तो यार सच्ची में मैं ज़्यादातर BTS पे ही वीडियो बनाती हूँ. BTS का मुझे समझ नहीं आ रहा है. लव वी मच दी, आप कहाँ से हो? आप कभी BTS कंसर्ट में गए हो? हाँ गई हूँ मैं, पर याद नहीं है कौन से ख्वाब में गई थी, लेकिन मैं गई हूँ सच्ची में. दी आप अपनी नज़र में वी को क्या मानती हैं? डोंट वरी दी, आई विल गिव यू ऑप्शन. ब्रदर, सिबलिंग, जान, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड. लव यू दी. लव यू दी भी ऑप्शन में है क्या? वेल, मैं वी को क्या मानती हूँ ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती.
सॉरी इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है. यू सपोर्ट पैलेस्टीनियन और इसराइल प्लीज. ऑफ कोर्स वी सपोर्ट जस्टिस. दी आप BTS से मिली हैं. वेल पैलेस्टीन और इसराइल की बात हो रही है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना रखी है. और मैं पूरे हक से कह रही हूँ मैं पैलेस्टीन के साथ हूँ, क्योंकि मेरे BTS ना शुरू से ही पैलेस्टीन के साथ थे, इसलिए मैं भी उन्हीं के साथ हूँ और हमेशा रहूँगी. क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हक के साथ लड़ने वालों के साथ हमेशा हम हक वाले होते हैं. भी आप BTS से मिली हैं? हाँ बहुत मिली हूँ, पर सपने में. सो वोट फॉर फेस रिवील. इससे कुछ नहीं होगा यार. क्या आपको आइडल बनना है? आंसर प्लीज. नहीं मुझे आइडल नहीं बनना है. दी फेस रिवील कब करोगे? मुझे नहीं पता है. दी आप अपना फेस कब रिवील करोगे? दीदी आपकी एज क्या है? 19. आपका फेस रिवील. ये इंडियन BTS आर्मी कभी BTS से मिल पाएंगे या नहीं? बट आई वॉन्ट टू मीट देम. आई थिंक 2026 में. मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 2026 में BTS इंडिया आएंगे. और BTS ने भी कई बार अपने लाइफ में हमें मतलब क्या कहते हैं उसको, हिंट दिया है कि हाँ वो भी आना चाहते हैं इंडिया, और इंशाल्लाह वो भी आएंगे. दी एक ही क्वेश्चन है ये. दी आप आर्मी कैसे बने? बता दूंगी. दी आप अपना फेस रिवील कब करेंगे? मुझे बहुत इंतज़ार है और आप हमारे साथ ऐसे ही रहें ना. लव यू हयात दीदू. लव यू टू. और हमेशा मैं आप लोग के साथ ऐसे ही रहूँगी. आई प्रॉमिस. दी आप BTS आर्मी कब बने? दी क्या सच्ची BTS डिसबैंड होगा? बताया तो. हु इज़ योर प्लेस? पता नहीं. दी आप किस सिटी से हो? वोट फॉर फेस रिवील. आपका फेस रिवील कब होगा? कि मुझे एक सपना आया था जिसमें BTS को आए वापस, पर BTS का एक मेंबर नहीं आया. अगर BTS का एक मेंबर अपने देश के लिए सही. क्या यार क्या बोल रहे हो? तो क्या होगा हमारे बीच का? प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन. ऐसे मत सोचा करो, गंदी बात होती है. प्लीज़ ऐसे मत बोला करो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता है सब. ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. हम हैं ना उनके लिए, उनके लिए प्रे करने के लिए हम हैं ना. दुआ करो कि वो जहाँ भी है सेफ रहें, हेल्दी रहें और वापस आएँ सेफ्टी के साथ, सेफली वो वापस आएँ. प्लीज़ ऐसे ख्याल ना लाया करो दिमाग में. दी आई एम गर्ल एंड आई लव यू. एंड आई एम गर्ल टू एंड आई लव यू टू. डू यू लव जैकुक कपल? वेल ये बहुत सही बात कही है आपने. मैं देख रही हूँ कुछ लोग टेकुक को एज अ कपल देखते हैं, बट यार ऐसा मत करो. ऐसे ना उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं. अभी मैंने कुछ हेटर्स की वीडियोस देखे, वो पता है क्या बोल के BTS को टारगेट करते हैं? गे. और वो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ टेकुक फेक एडिट पिक के वजह से. आई डोंट नो यार, मतलब ऐसा क्यों करते हो आप लोग? हम खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मारते हैं, खुद ही मारते हैं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी. और जब सामने वाला बुरा बोलता है तो हमें बुरा भी लगता है. वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा ना किया करो उसके साथ. दी क्या आपको एक्स इन ग्रुप पसंद है? हाँ पसंद है बहुत ज़्यादा. योर ड्रीम देखो क्लब हु इज़ योर. ओके नेक्स्ट. दी प्लीज डोंट टेल मी कि यू आर टेकुकर बिकॉज सम आर्मीज थिंक दैट दे आर कपल. नो दे आर नॉट. मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती यार. BTS 2027. हाँ वो बेस्ट फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड. मैं उन्हें एज अ बेस्ट फ्रेंड देखती हूँ, नॉट अ टेकुकर, नॉट अ कपल.
not as a couple, as a friend. BTS 2027 mein ban honge. आप BTS army कब बनी? We, who is your best? दी तुम्हारा best friend है और वो भी तुम्हारी तरह BTS army है. हाँ, मेरे best friend है और वो भी मेरी तरह BTS army है और वो भी मेरी तरह editing करते हैं BTS के ऊपर और डालते भी हैं. आपको BTS के बारे में कैसे पता लगा? बताऊंगी सब कुछ. Do you have any crush in school or college? Yes, I have. On myself. Please face reveal answer. Where do you live? Who is your funniest member in BTS? Please the first la answer zarur dijiyega. Please, we love you so much, Didu. And I love you so much. I love all of you. Where do you live? I live in my home. Your crush, your life. Mere life ki baare mein mat poocho yaar. Mere life na. यार देखो, एक तो इतनी गर्मी है ना, देखो मैं पसीने बह जा रहे हैं. मैंने पंखा बंद करके ना, पंखा बंद करके मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इतनी गर्मी हो रही है मुझे. आप BTS से कितना प्यार करते हो? इन्फिनिट. दी, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूँगी, बस इतना पूछूँगी कि आप फेस रिवील कब करोगे. प्लीज़ फेस रिवील. आई डोंट नो, डू यू लव योर सब्सक्राइबर्स? दी, आप BTS आर्मी कब बने? Yes, I love my subscriber. सच्ची बताऊँ ना, मैं सबसे ज़्यादा जो प्यार करती हूँ ना, अपने सब्सक्राइबर और अपने फॉलोअर से ही करती हूँ, सबसे ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा, सच्ची. एंड इट्स ट्रू. आप लोग बिलीव करो या ना करो, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, पर यही सच है. आई लव यू सो मच. हाय दी, आई रियली लव योर वीडियो सो मच. सो माई क्वेश्चन इज़, वाट इज़ योर फेव सीजन? एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम बिहार. वेल, विंटर सीजन इज़ माई फेवरेट सीज़न. वी की वजह से नहीं, मुझे शुरू से ही पसंद है विंटर सीज़न. माई क्वेश्चन इज़, वाट इज़ योर ड्रीम? दी, फेस रिवील. माई ड्रीम BTS.